खबर उत्तर प्रदेश के फूलपुर से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर से एक प्रोग्राम में टेंट हवा से उड़ गया और इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के लिए टेंट हेलीपैड के बेहद नजदीक लगा दिया गया, जिस वजह से यहां अफरा तफरी मच गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर ने ऐसी अफरा तफरी मचाई कि लोगों की सांस हलक में अटक गई और कईयों को अस्पताल तक में भर्ती कराना पड़ा। डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर से ही ऐसा तूफान उठा कि प्रोग्राम के लिए लगाया गया पंडाल ही उड़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, टेंट गिरने से मची भगदड़ में आधा दर्जन से ज्यादा लोग दब गए। इस आपाधापी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ही पीडब्ल्यूडी विभाग के एक इंजीनियर दबकर बेहोश हो गए। बेहोश हुए इंजीनियर को फौरन एम्बुलेंस बुलाकर इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भेजा गया। दरअसल डिप्टी सीएम मौर्य हेलीकॉप्टर से फूलपुर में सहसो ब्लॉक की नई बिल्डिंग और लड़कियों के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज की इमारत का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा, हेलीपैड के पास बना पंडाल ही उड़ गया। शिलान्यास के बाद एक जनसभा का भी कार्यक्रम था, जिसके लिए ये पंडाल लगाया गया था। जानकारी के मुताबिक हेलीपैड के पास ही पंडाल बनने के कारण ये घटना हुई। डिप्टी सीएम के साथ योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन भी कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन अफसरों की लापरवाही ने पूरे कार्यक्रम पर पानी फेर दिया। अफसरों की लापरवाही से हुए हादसे पर डिप्टी सीएम ने गहरी नाराजगी जताई है और मामले के जांच के आदेश दिए हैं। इमरान लाइक, इंडिया टीवी, इलाहाबाद, यूपी।